फ्रेंड्स, टैली प्राइम के पेरोल सीरीज के चौथे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप टैली प्राइम के अंदर एक या एक से ज्यादा इंप्लाइज का सैलरी डिटेल्स डिफाइन कर सकते हैं और कैसे फिर आप पेरोल वाउचर की एंट्री करते हैं, जहां पे जो सैलरी बनेगी वो अटेंडेंस के मुताबिक बनेगी। इससे पहले के तीन वीडियोस में हम लोगों ने सीखा था इम्प्लाई बनाना, इम्प्लाई ग्रुप बनाना, पे हेड्स बनाना एंड सो ऑन। उम्मीद करता हूँ वो सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी और उससे जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिला होगा उसको प्रैक्टिकली आप लोगों ने किया होगा। चलिए, बिना समय गवाए हम लोग टैली प्राइम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, टैली प्राइम में मैंने पहले से ही इम्प्लाई ग्रुप, इम्प्लाई एंड अदर डिटेल्स बना के रखा है। हम लोग कैसे देखते हैं उसको, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैसे इम्प्लाई ग्रुप कौन कौन सा हम लोग बना चुके हैं। तो गेटवे ऑफ टैली में आपको अल्टर सेलेक्ट करना है, इंटर प्रेस करना है। यहाँ पे देखो, पेरोल मास्टर के नीचे पेरोल मास्टर सेक्शन में जो पहला ऑप्शन है इम्प्लाई ग्रुप का, वहां पे जाके आपको सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है। देखो, यहाँ पे मैंने अकाउंट्स और क्लर्क ये दो डिफरेंट ग्रुप्स बना के रखे हैं। सिमिलरली अगर मैं इम्प्लाई को देखना चाहूँ तो यहाँ पे तीन इम्प्लाय मैंने बना के रखे हैं। एक है अंकित जो कि क्लर्क है, दूसरा फरदीन खान है जो अकाउंटेंट है, और तीसरा जैद खान है जो कि क्लर्क है। और यूनिट में मैंने ओवर टाइम के लिए आवर्स बना के रखे हैं। और देखो, यहाँ पे अगर आप अटेंडेंस टाइप देखो तो मैंने चार अटेंडेंस टाइप बनाए हैं, एब्सेंट, ओवर टाइम, पेड लीव्स एंड प्रेजेंट। और इसके अलावा पेहेड्स में मैंने चार पेहेड बनाए हैं इम्प्लाई को जो मिलेगा, जैसे बेसिक सैलरी है, डीए है मतलब कि डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंस मकान किराया भत्ता, और अगर ओवर टाइम करता है तो उसके लिए ओवर टाइम भी है, ओवर टाइम पर आवर के हिसाब से मिलेगा। ओके, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखी होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, चूंकि पिछले तीन वीडियोज में मैंने यही बताया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लें, ताकि जो भी नॉलेज है वो परफेक्ट हो। अभी हम लोग पहले सीखते हैं कि कैसे हम लोगों को सैलरी डिटेल्स बनाना है। तो देखो, आपको गेटवे ऑफ टैली में अल्टर सेलेक्ट करना है, इंटर प्रेस करना है। अकाउंट पेरोल मास्टर सेक्शन में आपको देखो सबसे नीचे से ठीक ऊपर सेकंड ऑप्शन, लास्ट सेकंड ऑप्शन जो है वो डिफाइन सैलरी का मिल जाएगा। आप यहाँ पे डिफाइन सैलरी पे को सेलेक्ट करो और इंटर प्रेस करो। अभी आपको यहाँ पे किसका सैलरी डिफाइन करना है, आप चाहो तो किसी ग्रुप का भी कर सकते हो। जैसे अगर मान लिया मैंने अकाउंटेंट्स का कर लिया, तो प्रॉब्लम क्या है इसके साथ कि जो भी अकाउंटेंट्स होगा ना, अगर सपोज कि 10 अकाउंटेंट्स है, आपने यहाँ पे अकाउंटेंट्स के लिए सैलरी वगैरह डिफाइन कर दिया, तो जितने भी अकाउंटेंट्स होंगे सबके लिए वही एक सैलरी हो जाएगा फिक्स। वैसे ही क्लर्क के लिए भी आप कर सकते हो, लेकिन वही प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी क्लर्क्स होंगे सबको एक ही हिसाब से सैलरी मिलेगा, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। होता क्या है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इम्प्लॉयज हैं, जिस भी पोस्ट पे हैं, तो एक पोस्ट पे अगर बहुत सारे इम्प्लॉयज हैं तो उनका सैलरी डिटेल्स बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वहां पे एक्सपीरियंस वगैरह का भी चक्कर होता है। तो यहाँ पे आपको, आप चाहो तो इम्प्लॉय ग्रुप को सेलेक्ट करके आप डिफाइन कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम होता है वो आप देख लो। ऐसे नॉर्मली जो काम होता है वो आप इम्प्लॉय को सेलेक्ट करो, जैसे मैंने अभी अंकित कुमार को सेलेक्ट किया, इंटर मैंने प्रेस किया। अभी देखो, ये पूछ रहा है इफेक्टिव फ्रॉम, तो चलो ये 1/4/2022 से इफेक्टिव है। अब अंकित कुमार को जो सैलरी मिलेगी उसमें कौन कौन सा चीज होगा भाई, तो बेसिक सैलरी होगा, मंथली बेसिक सैलरी मान लिया जाए ये 12,000 है इसका, ओके, पर मंथ। उसी ढंग से डीए, तो डीए ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर रखा है डीए। उसके बाद एचआरए और उसके बाद ओवरटाइम। अब देखो, ओवर टाइम में ये रेट मांग रहा है, मान लो 200 रुपए पर आवर जो है वो ओवर टाइम का रेट मेरे यहाँ है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में। देखो, डीए का परसेंटेज के हिसाब से मैंने वहां पे सेलेक्ट किया हुआ है कि अगर मान लिया 10,000 के अंदर तक है तो 10% मिले डीए, 10,000 से 15,000 है तो 12% मिले एंड सो ऑन। एचआरए के लिए भी उसी ढंग से मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो कंप्यूटेड वैल्यू है, वो बेसिक सैलरी के हिसाब से ऑटोमेटिक निकाल लेगा। लेकिन ओवर टाइम 200 पर आवर से, ओके। अब यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट सेलेक्ट करके ये आपका काम हो गया, ये आपने अंकित कुमार का सैलरी डिफाइन कर दिया। उसी ढंग से सपोज फरदीन खान का भी, जो कि अकाउंटेंट है, इसकी भी सैलरी मुझे डिफाइन करनी है, तो यहाँ पे फरदीन खान को आपको सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है इंटर। अभी देखो, इसकी सैलरी भी 1/4 से ही इफेक्टिव है, इसको भी बेसिक मिलेगा, इसकी बेसिक जो है 25,000 है, डीए भी मिलेगा प्लस एचआरए भी मिलेगा, ओवर टाइम जो इसको मिलेगा ये 125 पर आवर मिलेगा। चलो, ये काम भी हो गया।
इसी ढंग से जैद खान का भी आप चाहो तो डिफाइन कर सकते हो, जैसे अंकित का आपने डिफाइन किया, जैसे फरदीन का आपने डिफाइन किया। ओके, तो इस तरह से आप लोगों ने सीखा कि कैसे आप टैली प्राइम के अंदर सैलरी डिटेल्स को डिफाइन कर सकते हो। अब रही बात वाउचर एंट्री की, लेकिन देखो इससे पहले वाउचर एंट्री कैसे करते हैं, इसके लिए आपको वाउचर सेलेक्ट करना है और इंटरप्रेस करना है। अभी इससे पहले कि हम लोग पेरोल वाउचर सेलेक्ट करें, मैं कीबोर्ड से पेजअप की प्रेस करता हूं। देखो यहां पे मैंने ऑलरेडी अटेंडेंस बना के रखा है, अंकित कुमार जो इम्प्लाई E001 है वो 24 डेज प्रेजेंट है, जबकि अब्सेंट भी है वो 1 डे। पेड लिप्स उसने लिया है 5 दिन का, और ओवर टाइम भी इसने 100 आवर्स कर रखा है, अच्छा खासा पैसा ये कैलकुलेट कर हो जाएगा यहाँ पे। उसी ढंग से फरदीन खान का और जैद खान का भी मैंने यहाँ पे अटेंडेंस बना के रखा है, आप लोगों को भी ये अटेंडेंस बना लेना चाहिए सैलरी डिटेल्स का एंट्री करने से पहले। अभी देखो, चलो अब यहाँ वाउचर्स खुला हुआ है, मैंने पेज डाउन कर लिया, वापस से एक नया वाउचर आ गया है, और यहां से या आप चाहो तो यहां से एस्केप करके वापस से वाउचर्स को सेलेक्ट करके इंटरप्रेस कर लो। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे पेरोल वाउचर्स को एक्टिवेट करना है, जिसके लिए आप चाहो तो F10 प्रेस कर सकते हो या अदर वाउचर्स, यहाँ पे ये जो बटन है इस पर क्लिक करो। यहाँ पे देखो पेरोल वाउचर है जिसका शॉर्टकट कंट्रोल F4 है, आप चाहो तो कीबोर्ड से कंट्रोल F4 से भी इसको एक्टिवेट कर सकते थे। इंटर मैंने प्रेस किया, देखो यहाँ पे ये पेरोल वाउचर आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ऑटो फिल करना है। देखो ये ऑटो फिल बटन है जिसका शॉर्टकट कंट्रोल F है, मतलब कि आप माउस से ऑटो फिल पे भी क्लिक कर सकते हो, या आप कीबोर्ड से काम करना चाहते हो तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल F प्रेस कर दो, सेम काम होगा। अब जैसे ही आपने ऑटोफिल को सेलेक्ट किया ना, देखो यहां पे टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन आ रहा है, यहां पे पेरोल ऑटोफिल को आपको सेलेक्ट करके इंटरप्रेस करना है, यहां पे आपको सैलरी सेलेक्ट करना है। अब ये पूछ रहा है कि किस डेट से किस डेट की सैलरी आप दे रहे हो, तो भाई मैं तो यहां पे 1/4/2022 से 1/5 तक सैलरी दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से यहां पे डेट फिक्स कर लेना। अब ये पूछ रहा है किसको सैलरी दे रहे हो, ऑल को या सेलेक्टेड को, चलो मैं फिलहाल अंकित को सैलरी पे कर रहा हूं, सॉर्ट बाय इंप्लॉय नेम रहने दो, कैश ही मैं दे रहा हूं। आप चाहो तो यहां पे आप पहले से लेजर बना के रख सकते हो बैंक का, जिस भी बैंक का से आप पेमेंट करो उससे आप पेमेंट कर सकते हो। ये देखो अंकित की बेसिक सैलरी जो कैलकुलेशन के बाद आई है वो 9,290.32 रुपया है, DA 929.03 रुपया है, HRA भी मिल रहा है, ओवर टाइम इसका 20,000 रुपया है। चलो इसको हम लोग कर लेते हैं एक्सेप्ट। सिमिलरली अगर अगेन आपको दूसरे एम्प्लॉय का भी करना है, अगर पेरोल की एंट्री आपको करनी है तो आप अगेन ऑटोफिल पे क्लिक करते हो, पेरोल ऑटोफिल सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे सैलरी चलो 1/4/2022 से ये 1/5 आप दे दो, या 31/4 या 30/4 जो भी है अंत महीना का लास्ट डेट है वो आप दे सकते हो। चलो फरदीन खान का मैं यहाँ पे सैलरी का डिटेल्स देखता हूँ। अब देखो यहाँ एम्प्लॉय नेम मैंने सेलेक्ट किया कैश, अभी देखो फरदीन का भी ये आपका बेसिक DA HRA एंड ओवर टाइम ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई, कंट्रोल ए से इसको कर लेना एक्सेप्ट। तो इस तरह से आप लोगों ने पेरोल वाउचर्स की भी एंट्री कर ली। अब आपको पे स्लिप देखना है, कैसे आप पे स्लिप जनरेट करोगे, देखो आपको चले जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, यहां पे आपको देखो यहां नीचे पेरोल रिपोर्ट्स आ रहा है, यहां पे आप सेलेक्ट करके इंटरप्रेस करो। अभी पे स्लिप आ रहा है, पे स्लिप को आप सेलेक्ट करो, किसका पे स्लिप जनरेट करना है, तो भाई अंकित का। चलो ये देखो अंकित का यहाँ पे ये पे स्लिप आ गया, वैसा जो भी डिटेल्स है जो मैंने फीड नहीं किया है वो यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, आप लोग उसको फीड कर लेना जब आप इंप्लॉय बना रहे होगे उसी वक्त, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये आप 1 by 1 ऐसे देख सकते हो। देखो अभी आप फरदीन का भी देखना चाहते हो तो देखो फरदीन को सेलेक्ट करके इंटर हमने प्रेस किया, यहाँ पे ये सारा डिटेल्स आ रहा है, कितने दिन अब्सेंट है इस महीने में, कितना कितने घंटे का ओवर टाइम इसने किया है, कितना पेड लिव्स लिया है, कितना दिन ये प्रेजेंट है, और ये आपका सैलरी वगैरह कैलकुलेट हो गया। ओके, अभी आप पेशीट में जाओ अगर, और अंकित कुमार का आप पेशीट देखते हो तो ये देखो पेशीट है, बेसिक सैलरी क्या आ रही है, DNS अलाउंस, HRA, ओवर टाइम, टोटल लर्निंग, डिडक्शन अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि उसका तो मैंने अभी कुछ किया ही नहीं। चलो है ना, इस ढंग से आप अटेंडेंस सीट भी देख सकते हो, देखो अटेंडेंस सीट को सेलेक्ट कर लो, इंटरप्रेस करो, यहाँ पे अटेंडेंस सीट भी आ गया। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप लोग टैली प्राइम के अंदर सैलरी डिटेल्स डिफाइन कर सकते हो और उसके बाद पेरोल वाउचर के थ्रू उसकी एंट्री कर सकते हो ताकि हर एक एम्प्लॉय का सैलरी जनरेट हो सके। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से सीखने का मौका मिला होगा, अब आप लोग भी बहुत आसानी से टैली प्राइम के अंदर सैलरी डिटेल्स को डिफाइन कर सकोगे, पेरोल वाउचर्स की एंट्री कर सकोगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।
अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और चाहते हैं कि चैनल को सपोर्ट करें और जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट।